नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पूर्व मध्य रेलवे से खुलने वाली 8 ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई हैं और 13 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। आज हम जानेंगे इस पूरे ट्रेन और उसके रद्द किए गए रूटों के बारे में। देश में जब कोरोना के मामलों की संख्या में कमी आई है तो ऐसे में रेलवे में यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है और रेलवे ने भी ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी की है। ऐसे में अब लोग रेलवे से यात्रा करने लगे हैं। ऐसे में रेलवे की तरफ से अब एक बार फिर से अपडेट जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि अम्बाला लुधियाना के बीच में गोविंदगंज रेलवे स्टेशन पर रेल लाइन मेंटेनेंस के कारण 20 से 25 मई के बीच में ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। ऐसे में पूर्व मध्य रेलवे के तहत चलने वाली ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी तौर पर बदलाव किया गया है। बता दें कि इस दौरान जिन रूटों के ट्रेनों को प्रभावित होगी उसमें उत्तर बिहार व पंजाब के बीच चलने वाली 8 ट्रेनों के प्रभावित होने की बात कही गई है, जबकि 13 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। रेलवे की तरफ से जो ट्रेनें रद्द कर दी गई है उसमें है दरभंगा से चलने वाली गाड़ी संख्या 22551 अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन, यह जो है 21 मई को रद्द रहेगी। धरंधर से चलने वाली गाड़ी संख्या 22552 अंत्योदय एक्सप्रेस 22 मई को रद्द रहेगी। दरभंगा से चलने वाली गाड़ी संख्या 15211 जननायक एक्सप्रेस 21 मई को रद्द रहेगी। अमृतसर से चलने वाली गाड़ी संख्या 15212 जननायक एक्सप्रेस 23 मई को रद्द रहेगी। जयनगर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 04651 हम सफर क्लोन एक्सप्रेस, यह जो है 22 मई को रद्द रहने वाली है। अमृतसर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 04652 हम सफर क्लोन एक्सप्रेस 25 मई को रद्द रहेगी। इन ट्रेनों के रूट में किया गया बदलाव। कटिहार से खुलने वाली गाड़ी संख्या 15707 आम्रपाली एक्सप्रेस चंडीगढ़ सानेहवाल के रास्ते चलेगी। इस ट्रेन को जो है का जो रूट है वो 20 से 22 मई के बीच में बदला गया है। अमृतसर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 15708 आम्रपाली एक्सप्रेस सोहेनवाल चंडीगढ़ के रास्ते चलेगी और इस ट्रेन का रूट जो है 23 मई को बदला गया है। जयनगर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 14649 सरजू यमुना एक्सप्रेस चंडीगढ़ सानेहवाल के रास्ते चलने वाली यह ट्रेन का रूट जो है 20 से 22 मई को बदला गया है। अमृतसर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 14650 सरयू यमुना एक्सप्रेस सोनेहवाल चंडीगढ़ के रास्ते चलेगी। इस ट्रेन की रूट जो है 21 मई को बदला गया है। जयनगर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 14673 चंडीगढ़ एक्सप्रेस चंडीगढ़ सोनेहवाल के रास्ते चलेगी। इस ट्रेन का रूट जो है 21 और 23 मई को बदला गया है। अमृतसर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 14674 शहीद अमृतसर सोनेहवाल चंडीगढ़ के रास्ते चलेगी। इस ट्रेन का रूट जो है 22 और 24 मई को बदलने वाला है। सहरसा से चलने वाली गाड़ी संख्या 12203 गरीब रथ एक्सप्रेस जाकर धूरी व लुधियाना के रास्ते चलने वाली है। इसका ट्रेन जो है रूट जो है 23 मई को बदलने वाला है। तो एक तरह से कह लें कि पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से जो है पटना से एक तरह से कहें बिहार से पंजाब की ओर जाने वाली जो ट्रेनें हैं उसके रूट में जो है बदलाव किया गया है। 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 13 ऐसी ट्रेनें हैं जिनके रूट में बदलाव किया गया है। अगर आप इन दिनों बिहार से पंजाब जा रहे हैं तो इन ट्रेनों में अगर आप सफ़र करने वाले हैं तो इसका रूट जरूर देख लें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।